मुझे जानने के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। हे गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक और वीडियो लाई हूँ कोरोना वायरस के अपडेट में। और गाइज, ये वीडियो मैं बेसिकली इसलिए लाई हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैल रहे हैं और जिससे हर एक का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं कई इन्फॉर्मेशन लाई हूँ आप लोगों के लिए जिससे आप लॉजिकली सोच कर उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो या गाइज़, प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि फालतू के र्यूमर्स मत फैलाएं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज घर बैठे बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे ज़्यादा ख़राब होता है एक्चुअल में लोगों का, और टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट होती है घर में भी। और हाँ, लॉकडाउन का पालन रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जिस पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस केस में यही हमारे पास सलूशन है एक कोरोना वायरस से जीतने का। सबसे पहले मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि न्यूज़ देखें, फैक्ट्स पढ़ें और कम से कम व्हाट्सएप पे र्यूमर्स फैलाएं, फालतू के मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें जब तक आपको उस चीज़ की क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ना हो। और हाँ, अपनी थिंकिंग को लॉजिकल रखें गाइस, दिमाग से सोचें, ऐसे ही नहीं कि किसी ने कोई अपडेट दिया है और चलो जी आगे फॉरवर्ड कर दिया 100 लोगों में। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा माहौल भी क्रिएट ना करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें और प्रोडक्टिव काम करें जिससे आप लोगों का सबका माइंड डाइवर्ट हो। और यस, थोड़ा पॉजिटिव रहे सोच में भी और तभी हम इस चीज़ से, इस जंग से लड़ पाएंगे मिलकर। और हाँ गाइज, आज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जितनी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है ना, और उतना ही ज़रूरी है आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलना। और वो कहाँ से मिलेगी, एक वेबसाइट है जो मैं आपको बताऊँगी अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दूंगी, दैट इज़ covid90india.org। इट्स अ रियल टाइम वेबसाइट, मतलब जहाँ पर रियल टाइम काउंट ऐड हो रहा है कोरोना वायरस का, क्या मतलब डेली स्टैट्स है वो सारा हो रहा है, कितने इफेक्ट हुए हैं टिपिकल हर एक कंट्री में, वो सारा मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि कैसे आपने वो वेबसाइट में जाके हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। किसी की अफवाहें सुनने से बेटर है आप सीधा वो वेबसाइट पे जाएं, उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करें और या उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पता लगेगा कोरोना वायरस के अपडेट का। गाइस, थोड़ा सा मैं समझाती हूँ आप लोगों को इस वेबसाइट को कैसे हैंडल करना और कैसे हर चीज़ का देखना है वहाँ से। सो गाइज़, या मैं ये वेबसाइट का साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप मोबाइल फ़ोन पर आप लॉग इन करेंगे covid90india.org। सो या गाइज, जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे मोबाइल में covid19india.org, तो आपको ये सारी यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो इसको जैसे भी आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस है 678 जो यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं लाइव, और इसमें से एक्टिव 623 हैं जिसमें से रिकवर्ड 43 कर गए हैं, तो डेथ्स हो गई हैं 12। तो मतलब यहाँ से आप कुछ आइडिया ले सकते हैं, रियल टाइम है ये सारा। तो अगर आप स्टेट वाइज अब आप देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में इस कन्फर्म्ड केसेज है जो सबसे ज़्यादा है 124, जिसमें से एक्टिव है 121 और दो और बढ़ गए हैं, तो ये इंक्रीज़ हुए हैं, इसमें से रिकवर्ड सिर्फ 1 है और डिसीज्ड मतलब जो मर गया है, दो लोग मर गए, ऐसी केरला। और अब अपने पंजाब में देखें तो यहाँ पे 31 कन्फर्म्ड केसेज है जिसमें से 30 एक्टिव हैं और एक मर गया है। तो गाइज़, ऐसे ही हर एक की स्टेट वाइज है, तो टोटल आ रहे हैं इसमें 678 प्लस 21 आज इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये सारा आ गया स्टेट वाइज जो है स्टैटिस्टिक्स आपका। तो इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है मैप में, तो जो सबसे रेड है दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एरिया, वर्स्ट इफेक्टेड है ये, तो ये 120 प्लस जहाँ पे शो हो रहा है एंड दैट इज़ महाराष्ट्र साइड। और ये आपको इंडिया के मैप से क्लियर हो रहा है, दिस वन इज़ डार्क रेड जो है, दिस इज़ महाराष्ट्र साइड। और ये भी जो है 118 केरला वाली साइड है, ये केरला में हुआ है 118। तो हमारा अब देखते हैं, ये हरियाणा है 31 और दिस इज़ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब रीजन 31 कन्फर्म। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आप ऐसे आएंगे, सॉरी मैप में ये इन्होंने शो किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ये नीचे है जो ट्रेंड्स शो किए गए हैं जिसमें ओवरऑल हमें पता लग रहा है बेसिकली कि क्या है। अब आप देखेंगे डेट वाइज है यहाँ पर, ठीक है, जो फिफ्टीन मार्च 24, तो ये आज कौन सी डेट है 26 है, तो यहाँ पे 600 प्लस केसेस शो हो रहे हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डेट वाइज पता लग रहा है। तो ये रिकवरी है दूसरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये जो डेथ्स हुई हैं डिसीज्ड, तो ये तीनों चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो इसमें अब हम देखें तो ट्रेंड जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो रिकवरी की बात करी जाए तो ये हुए हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रिकवर्ड केसेस यहाँ पे आ रहे हैं 343 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ ही में नंबर्स शो हो जाएंगे जब आप क्लिक करेंगे। तो ये हो गया, अब डेली बेसिस में है तो डेली बेसिस का भी आ रहा है आपको ओवरऑल। सो मतलब ये इससे आप
ओवरऑल और ट्रेंड सारे देख सकते हैं। उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी गाइस, अब आते हैं हम क्लस्टर्स पे। तो क्लस्टर्स में आप गाइस देखेंगे कि ये जो डॉट्स है बेसिकली दीज आर पेशेंट्स जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं। तो इसमें गाइस अगर हम एक किसी क्लस्टर पे जाएं, ये सबसे बड़ा जो है सर्कल, इस पे जाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पेशेंट 182 है, ठीक है, तो इसने कितने लोगों को इफ़ेक्ट किया है। और ये जो रेड इसका कलर आ रहा है, दैट मीन्स ये मर गया है, ही इज़ डेड। और बाकी जो पेशेंट्स इफेक्टेड हुए हैं, इट्स रेड वन, पेशेंट 182, इसका जेंडर है मेल, एज है 70, पंजाब स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट बंगा से था ये जिसने इतने लोगों को इफेक्ट किया। और ये खुद इसकी डेथ हो चुकी है, और ये इटली से जर्मनी से ट्रैवल करके इटली के थ्रू आया था। जो है इसका साथ का पेशेंट है ये 361, ठीक है, शी इज़ फीमेल, और ये शहीद भगत सिंह नगर में इसका ये रहती थी और पंजाब से थी, इसको भी कोरोना वायरस हुआ है और ये क्लोज कॉन्टैक्ट आई थी पेशेंट के। तो ऐसे ही सारे बाकी हैं और इनके सारे रिलेशंस भी बताए हुए हैं क्या है उस पेशेंट के साथ। अब ये जो गाइज है पेशेंट दिस 311, तो ये भी मेल है, गढ़शंकर से था, हॉस्पिटलाइज हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप ये क्लस्टर्स देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये बंगा नवाशहर वाली साइड से क्लस्टर फॉर्म हुआ है। और दूसरा जो है दिस वन ग्रीन वन, इस पेशेंट के बारे अब देखते हैं। सो ये 69 एज का जयपुर से है, ये जो अगला क्लस्टर बना है जिसने इफ़ेक्ट किया है, ये जयपुर का है और राजस्थान, ठीक है। और ये जो है साथ में फीमेल पेशेंट नंबर 12, ये गुरुग्राम की है। सो मतलब इस तरह आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे गाइज ये इफ़ेक्ट कर रहा है क्लस्टर। तो मतलब सेंसिबिलिटी यही होगी कि आप इतने सेंसिबल हो कि अगर लॉकडाउन के बाद भी इन जगह को अवॉइड करें अगर आप नहीं हो यहाँ से। और बाकी के अभी जो है ये रिंग्स बेसिकली नहीं बननी चाहिए, जो बड़े बड़े क्लस्टर्स बन रहे हैं वो बहुत हार्म पहुँचा रहे हैं। ये 2-3 बन चुके हैं ऑलरेडी बिग वन, और ये देखो आगे भी चेन्स बन रही है सारे। तो मतलब सो गाइज इससे अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इन सिटीज़ को, इन प्लेसेस को अवॉइड करें ताकि मतलब आप इस चीज़ से बच पाएँ। सो या गाइज, इस वेबसाइट को आप अपने होम स्क्रीन पे भी सेव करें। तो जब भी आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो राइट पे 3 डॉट्स होंगी, तो वहाँ पे क्लिक करके ऐड टू होम स्क्रीन करें और ऐड ऑटोमेटिकली। तो मतलब इससे क्या होगा कि ये जो आइकन है इस वेबसाइट का, तो ये आपके डेस्कटॉप पे, मोबाइल के डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। एज यू कैन सी मेरे यहाँ पर हो गया है। तो इसको डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाया करेगी और आप अपडेट ले सकते हैं। तो अभी वीडियो बनते में ही 680 से 694 केसेस हो गए हैं। सो मतलब लाइक थोड़ा सा डर भी लग रहा है, तो प्रिकॉशंस गाइज ज़रूर 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 लें। सो या आई होप गाइज कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपने रियल टाइम ये स्टैट्स देखने हैं कोरोना वायरस के। और ये चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि आप वो खुद से अपने मोबाइल पे इस डेस्कटॉप आइकन को सेव करके अपडेट लेते रहे कोरोना वायरस का। और या प्लीज़ फालतू के र्यूमर्स मत फैलाएं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, थोड़े दिन लॉकडाउन जो है उसको फॉलो करें पूरा। बिकॉज अब मैं सुन रही हूँ कि हमारे आसपास एक दो एरियाज़ हैं जहाँ पे एक आधा केस पॉजिटिव आया है। तो या मतलब इट्स क्वाइट स्केरी नाउ, मतलब वेजिटेबल वेंडर्स जो इधर उधर घूम रहे हैं उन सबसे सब्जियां मत लें, न्यूज़पेपर्स अवॉइड करें, मेड्स तो ऑब्वियसली आपने अवॉइड करी होगी, घर पे सारे काम खुद करें, मतलब ये सारी चीज़ों का ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल कट ऑफ हो जाए थोड़े दिन के लिए सोशल, मतलब वहाँ पे गैदरिंग से, सोशल गैदरिंग तो चलो भूल जाओ, मतलब ये सब चीज़ें जो आपके गली मोहल्ले में लोग आ जा रहे हैं वो चीज़ को भी अवॉइड करें। बिल्कुल लक्ष्मण रेखा ही बांध लें घर के बाहर कि मत निकले, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपने इस जंग से इतना है तो ये कट ऑफ ही करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, तो यही एक सोल्यूशन है। और या दूसरा सोल्यूशन मैंने बताया है कि आपको कैसे ये चीज़ को वेबसाइट को देख के आप ट्रैक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो या गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय।